बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। और अब मैं स्वागत करती हूँ आरती स्मिथ, डॉक्टर आरती स्मिथ जी का। कि वे नमस्कार, जी नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आपका, स्वागत है सबसे आरती पहले जी। तो मैं द मैजिक मैन एंड चंद्रा की पूरी टीम को इस कविता महायज्ञ के बृहत और सफल आयोजन की बधाई देती हूँ। और स्वागत है जी। आदरणीय हरीश नवल सर तो हम सबके संरक्षक हैं जी, और मेरी ये मैं बताना भी चाहूंगी कि जी आदरणीय हरीश नवल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कल हमें संदेश दिया, बधाई दी, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही उनके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी खूब आगे बढ़े। वो तो आगे बढ़े हुए ही हैं, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, यही हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं जी। प्रणाम सर। सर्वश्रेष्ठ रचना ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मेरी नहीं, जी जी कविता का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ जी रचना। जी वह गूंद स्वागत। रही खुशियां और सपने, वह गूंद रही खुशियां और सपने, काट रही बाधाएं, झार रही मन के मैल, बुहार रही घर के जी क्लेश, और अब धुल रही बासी सोच, चमका जी रही मेधा। जी उसने सहेज ली संवेदनाएं, ठीक की विचारों की सलवटे, समेट दिए अविश्वास, धुल दिए मन प्राण सबके, और अब लिख रही लेखा जोखा वर्तमान और भविष्य का। वह हटा रही अपनी आरजुएं, सजा रही बच्चों के सपने, उम्मीदें और मुस्कान, और अब उखाड़ कर खरपतवार बना दी है समतल राह। वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, सबसे प्यारा संबंध और संबोधन। जी बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम सब माँ को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, और 2 दशक पूर्व माँ के लिए जो कविता लिखी थी, निवेदित करती हूँ। माँ, माँ तुम मंदिर में स्थापित देव प्रतिमा हो, माँ तुम मंदिर में स्थापित देव प्रतिमा हो, पूजा हो अर्चना हो ईश्वर की वंदना हो। माँ तुम मंदिर में स्थापित देव प्रतिमा हो, पूजा हो अर्चना हो ईश्वर की वंदना हो। माँ तुम आस्था हो मन की, माँ तुम आस्था हो मन की, श्रद्धा हो जीवन की, आत्मा की शक्ति हो, भगीरथ की भक्ति हो। माँ तुम शीत की धूप हो, हाँ माँ तुम शीत क्या की बात, धूप क्या हो, बात, ग्रीष्म की छाव हो, सभ्यता की हो नगरी, संस्कार का गांव हो। वाह, माँ बहुत सुंदर तुम गीत जी। हो, हाँ माँ तुम गीत हो, नाव हो, नाद हो, शिशु का आह्लाद हो, धैर्य हो, साहस हो, गृहिणी तापस हो। माँ बहुत सुंदर, तुम बहुत डोर सुंदर हो, माँ तुम डोर हो, रिश्तों की, भावों की, शहरों की, गांवों की। मैंने देखा है तुम्हें जेठ की धूप में जलते, मुसीबत की आग में चलते, पर हमको सुख देती हो, सब पीड़ा हर लेती हो। माँ तुम ममता की धारा हो, हाँ माँ तुम ममता की धारा हो, डूबते का किनारा हो, दुर्बल हाथों क्या को बात है, देती क्या बात है, सहारा। तुमसा ना कोई प्यारा, तुमसे वाह ही बहुत स्वप्न सुंदर हमारे, तुमसे ही स्वप्न हमारे, तुम तक ही कल्पनाएं, तुमसे ही स्वप्न हमारे, तुम तक ही कल्पनाएं, जीवन का गति हो तुम ही जीवन का आधार, तेरे चरणों में स्वर्ग बसा, क्या बात तेरा है, बहुत आंचल सुंदर स्वर्ग द्वार। माँ तेरा आंचल स्वर्ग द्वार। बहुत सुंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी आदरणीय हरीश नवल जी कह रहे हैं कि आपकी माँ पर दोनों रचनाएं बहुत उत्कृष्ट हैं, और रत्नेश जी, रत्नेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं, अद्भुत कह जी रहे हैं, पूनम सिंह जी हैं,
अरुण कुमार पासवान जी हैं, सुदर्शन रत्नाकर जी हैं, सविता श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत जी, बहुत आभार जी जी अगली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी। अगली रचना पारिवारिक संबंधों का ताना बाना लिए ही वही जी औचक ही औचक ही कमरे में भर गया उजियारा, औचक ही कमरे में भर गया उजियारा, जब तुम आई पांव महावर, हाथ में मेहंदी, मांग में उषा सजाए, औचक ही रूप बदलने लगे, औचक ही रूप बदलने लगे, कुर्सी मेज अलमारी पलंग और चूल्हे सब सुंदर हो गए सलीके मंद, औचक ही औचक ही मेरे भीतर कुछ संवरने लगा जी। एक पति की ओर से मैं कह रही हूँ जी, औचक ही मेरे भीतर कुछ संवरने लगा, कुछ बंधने लगा, एक अदृश्य डोर जिसका सिरा तुमसे जुड़ा था, औचक ही दफ्तर से निकलकर मुरने लगे पांव, औचक ही दफ्तर से निकलकर मुरने लगे पांव, तुम्हारी ओर मन उससे भी आगे आगे, कि इंतजार में टिकी तुम्हारी आंखों का अनकहा सुन लिया था उसने, औचक नहीं औचक नहीं आहिस्ते आहिस्ते महसूस पाया अनकहे प्रेम की तासीर, मकान का सजीव होना, उसका बोलना बतियाना, कोने कोने में संवेदनाओं की थिरकन, सांसों का स्पंदन, और तब पहली बार जाना कि घर घरनी से बनता है, घर घरनी से बनता बहुत, है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। परिवार पूरा नहीं होता का मन जब जी 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 नहीं पाता, वो चाहता नहीं, ये सब कुछ ही पाता है। और परिवार पूरा नहीं होता, लता पांडे जी आपसे कह रही है मन उससे भी आगे भागा, वो बहुत धन्यवाद। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, मन से मन को जोड़ने वाली कविता है ये। और विनय पंवार जी, खूब खूब आरती जी, बहुत खूब, सबका धन्यवाद। डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, कंचन लता जी, सुरेंद्र, सुदर्शन रत्नाकर, बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और खुद हरीश नवल साहब हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जितने लोग साथ हैं, सब सबका स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहता है, और सर का आशीर्वाद तो अनकहा अमृत धार की तरह सर और मैम का स्नेह मुझे प्राप्त है। अगली कविता भी परिवार को समर्पित, हम विखंडन की बात क्यों करें, कुछ जोड़ने की बात करते हैं जी। नन्ही परी, मोहन रोहित साहब भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नन्ही परी पांव पैजनिया तोतली बोली, पांव पैजनिया तोतली बोली, मोहक किलकारी तुम्हारी सजा गई नीरव जीवन को, पांव पैजनिया तोतली बोली, मोहक किलकारी तुम्हारी सजा गई नीरव जीवन को, तुम ना थी, तुम ना थे तो था सूना मन आंगन, कच्चा था रिश्ते का बंधन, कच्ची थी समझ हमारे, तुम आई तो निखर गया संसार, तुम आई तो निखर गया संसार, तुम आई तो विहसने लगा थका हारा घर द्वार, तुम आई तो निखर तो विहसने लगी बूढ़ी आंखें, गाने लगे पोपले मुंह, रिमझिम रिमझिम लोरी, और भर उठा गर्व से दूध भरा आंचल, तुम्हारा आना, तुम्हारा आना रसधार का बह जाना था, सूखे पपड़ाए संबंध के अधर पर, और हो जाना था आकंठ निमग्न अपने अपने बचपन में, नन्ही परी नन्ही परी तुम्हें नहीं मालूम इस पथरीली जमीन पर उगे दरकते कमरों में तुमने भर दी है सांसें, सांस लेने लगे हैं रिश्ते, सांस लेने लगे हैं रिश्ते, मकान घर बनने लगा है,
मकान, क्या बात है, शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो से तीन होते ही जो घर में हलचल और जो हो जाती है खुशियां फैल जाती है, उसका सुंदर चित्रण किया आपने, बहुत सुंदर आरती जी, बहुत सुंदर। एक पहले एक मेरी दो हुए उसका चित्रण और दो से तीन हुए उसका चित्रण, बहुत सुंदर मकान को सजाया और मकान से घर हो गया और दादा दादी साथ में हो। दादा दादी साथ हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नेट की प्रॉब्लम चल रही है, आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। अपनी कविता, अगली कविता सलीब पर जी, खूंटी पर टंगा है कुर्ता या टंगे हैं पिता सलीब पर। हरीश नवल सर की प्रिय कविता है यह। खूंटी पर टंगा है कुर्ता या टंगे हैं पिता सलीब पर। है, क्या बात है, क्या बात है, जिम्मेदारियों की कील से ठुके लटके हैं वर्षों से, बहुत सुंदर सुंदर किया, और गर्व से तनी दर्दन गर्दन झूलने लगी है धीरे धीरे। बहुत खूब, बहुत खूब। झूलती बाहों की परछाई गाथा सुनाती है, झूलती बाहों की परछाई गाथा सुनाती है कांधे पर लदे बेहिसाब दबाव का, और हवा में लहराता हिस्सा चिंद चिंद होते तन मन का कुर्ता। बहुत सुंदर, पिता की यादों से लिपटा कुर्ता, पिता की यादों से लिपटा उनकी देह गंध समूहे उनके संघर्ष और जीवन की त्रासदी की अकथ कथा बांचता झूल रहा है। दिख रहे हैं पिता झूलते हुए सलीब पर, दिख रहे हैं पिता झूलते हुए सलीब पर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, पिता पर बहुत रचना, सुंदर। विदेश प्रवास लगातार जारी है, वर्षों से जारी है, लेकिन जब वहां से वर्षों बाद कोई लौट कर आता है, उनकी भावना को संजोने की कोशिश है मेरी अगली कविता। वह खोज रहा है, वर्षों बाद लौटा था, वर्षों बाद लौटा था, खोज रहा था चूल्हे पर रंधाती दाल की खुशबू, आंगन में छीटे गए दाने, अलगनी पर सूखती पिता की चादर, और पूजा घर में मंत्र गुदगुदाते माँ के स्वर। कमरे के भीतर से झांकती नन्ही मुनिया की गोल गोल आंखें, छोटे बब्बन के हर्षाते बोल, ताई की आशीष, ताऊ की धप। कुछ भी नहीं था वहां, कुछ भी नहीं था वहां, टाइल्स के बिछे गलीचे ने निगल लिए थे पुराने मकान, पुराने निशान, पुराने मकान की कब्र पर खड़े मुस्कुराते तीन बेडरूम के नए फ्लैट ने निगल लिया था उसका घर। यादों से बंधा लौटा था वह, जमी वही थी, कमरों ने रूप बदला था, आंगन को निगला था और पोछ डाला था अपने घर आंगन से रिश्ता। वह अब भी खड़ा है, वह अब भी खड़ा है, खोज रहा है अपना घर उस अजनबी मकान में। बहुत खूब, बहुत खूब, परिवार से समाज, परिवार से समाज बनता है, और अगर परिवार में जुड़ाव ना हो तो तकलीफें बढ़ती हैं, समाज भी विखंडित होता है, बिल्कुल, और जीवन संगी छूट जाए तो तकलीफ बढ़ जाती है, बढ़ जाती। अगली कविता है छड़ी। स्वागत है, स्वागत। डूबती आंखों में तैरती है छड़ी, डूबती आंखों में तैरती है छड़ी, उसी ने तो थामा था तुम्हें, उसी ने तो थामा था तुम्हें जब जब लड़खड़ाए थे तुम, उसी ने तो थामा था तुम्हें जब जब लड़खड़ाए थे तुम, कितना समझाया था तुमने, कितना समझाया था तुमने कि अपना लूं उसे, सौंप दूं
कांपते तन का भार, कि बड़ी वफादार होती है छड़ी, कि बड़ी वफादार होती है छड़ी, नहीं मानी, नहीं मानी मैंने बात तुम्हारे, नहीं समझा इशारा कि छड़ी के बहाने तुम सौंप रहे थे स्पर्श की अनुभूति, आजीवन साथ का भरोसा। मैं कम अक्ल अनसुना करती रही तुम्हें आखिरी लम्हे तक, मैं कम अक्ल अनसुना करती रही तुम्हें आखिरी लम्हे तक, आज आज ना तुम पास हो ना ही वे जिन्हें बुढ़ापे की छड़ियां समझ इतराती रही थी अब तक। बहुत कुछ पिछले बहुत वर्ष शानदार, बहुत शानदार, स्वागत है आपका जी। पिछले वर्ष हम सब ने एक भयावह दौर झेला। बहुत सुंदर, अगली कविता उन सबको समर्पित प्रमिला शरद जिन्होंने हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वागत प्रमिला जी आपका। एक दिया उनके नाम, अरुण कुमार जी बोल रहे हैं जी। जी स्वागत। एक दिया उनके नाम जो बेतरह बेवजह मसल कर बुझा दिए गए, एक दिया उनके नाम जो बेतरह बेवजह मसल कर बुझा दिए गए और झूप डूब गई आदिवासी झोपड़ियां अंधेरे में, एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम जिनकी बूढ़ी हड्डियां करती थी मशक्कत अब भी चूल्हा सुलगाने के लिए और रगों में दौड़ता जवान खून देता था साथ, पाई थी उन्होंने संवेदना को भोथरा कर देने वाली मर्मांतक पीड़ा, एक दिया उनके नाम, क्या एक दिया उनके नाम जिनकी सांसें कुर्बान हुई सेवा के नाम अवहेलना और लाचारी में, एक दिया उनके नाम, बहुत एक बहुत एक दिया उनके नाम जिनका श्रम प्रवासी हुआ और भूख प्यास परिजन, जिनके दिए बुझ गए असमय अनचाहे और भर गए रेत आंखों में, जला गए आंचल, जला गए आंचल और तोड़ गए लाठी झुकती कमर का, एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम जिन खुरियां नोच डाली वहशी पंजों ने, झड़ गई कलियां उद्यान में, एक दिया उनके नाम जिन्होंने सरहद की रेखा से सस्ता माना मांग का सूरज बूढ़ी आंखों का उजाला और घर पर बरसता सन्नाटा, बहुत सुंदर, एक उनके नाम बहुत खूब, जो एकांत के खौफ से बिंधे, एक दिया उनके नाम जो एकांत के खौफ से बिंधे मौन ओढ़े मौन बिछाए डोला करते हैं जीवन की थरथराती सांझ लिए, एक दिया उनके नाम जिनकी संवेदना थिरकती रही सेवा और सुरक्षा कवच बनकर, अंतिम दिया ईश्वर के नाम जो उतरा है उजास लिए रण बांकुरों के भीतर, जो उतरा है उजास लिए रण बांकुरों के भीतर। बहुत इसी पर मेरे को दो पंक्तियां याद आ रही हैं। नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। अब आपके रण बांकरों के आरती जी आपके दिए को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, आपने एक एक जने मतलब एक
एक लड़की को दिया समर्पित किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। आभार। अगली कविता निवेदित करती हूँ जी, स्वागत है। एक पूरी नींद जी, वह सोना चाहता है, वह सोना चाहता है एक पूरी नींद बेफिक्री की, वह सोना चाहता है एक पूरी नींद बेफिक्री की, मगर जानता है जब बेफिक्री होगी तब नींद नहीं रत जगा होगा। क्या बात है, जानता है जब बेफिक्री होगी तब नींद नहीं रत जगा होगा, सन्नाटे की कोख से कोई पुकारेगा जाते रहो, घड़ी की पेंडुलम से लटकी डोलती रहेगी सांस पौ फट जाने तक, घड़ी की पेंडुलम से लटकी डोलती रहेगी सांस पौ फट जाने तक, और खुद को सलामती की दुआ देता वह जुट जाएगा एक और नए दिन के साथ नई यात्रा की तैयारी में। अक्सर रात ही तो डराती है, अक्सर रात ही तो डराती है अकेले बूढ़े वृक्ष को, जब पंछी उड़ जाते हैं घोंसलों से और छोड़ जाते हैं मीठे पलों की सौगात। बूढ़ा मन बचपन को सीने से लगाए, बूढ़ा मन बचपन को सीने से लगाए, उसकी फिक्र को बुलाता है और चाहता है एक बार फिर घोंसले में गूंजे चीं चीं की आवाज, एक बार फिर घड़ी की सुई जैसे टिक टिक दौड़े टांगे, और थक कर सो जाए वह जिम्मेदारी के तकिए पर फिक्र ओढ़ बिछा कर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। देश के सबूतों को नमन करते हुए और उनकी वीरांगना पत्नी को नमन करते हुए अगली कविता वर्षों जी, बाद स्वागत है जी। वर्षों बाद आंखें झील बनी, वर्षों बाद आंखें झील बनी, वर्षों बाद लब पर गुलाब खिले, वर्षों बाद गालों पर उतरे बुरांश की लाली, और जीवन वसंत हो चला। क्या बात है। पोर पोर में कौंधी बिजली, पोर पोर में कौंधी बिजली, पांव महावर हो चले, मांग में उग आई उषा, आंचल चंदन वन बना। तुम आए कांधे पर तिरंगे में लिपटे हुए, गुलाब तुम्हारे चेहरे पर खिला था। बहुत खूब, बहुत सुंदर। देश पर मर मिटने की उसकी जो खुशी चेहरे पर झलक रही थी, हाँ, बहुत सुंदर। तो मेरा कविता के माध्यम से एक मेरी श्रद्धांजलि ऐसे सपूतों और उनके परिवार के लिए था। श्रमिक समाज को समर्पित एक कविता, पिता होना। कांपते हाथ पांव, दर्द के लावे से दहकती उंगलियां, दायित्व के बोझ से असमय झुक रहे प्रौढ़ कांधे, झूलती भुजाएं, सुकून की सुबह की चाह में आंखों की सुनी घाटियां, और हर घड़ी शिथिल पड़ती जाती ऊर्जा अनायास याद दिला जाती है पिता के। गरीबी और जिम्मेदारी असमय बूढ़ा बना जाता है, गरीबी और जिम्मेदारी असमय बूढ़ा बना जाता है, टूट जाती है डोर एक दिन उन्मुक्त बचपन और उमकते यौवन के कसमसाते सपनों के साथ। वाह, बहुत शानदार। उम्र की प्रौढ़ चौखट पर याद आता है,
उम्र के प्रौढ़ चौखट पर याद आता है होरी का जीवन, सामने उभर आते हैं रिक्शा खींचते असलम मियां, रहमान और नौशाद, बुखार से फूर फूर भीगे पांडे जी, समय ने छीन लिया है, समय ने छीन लिया है श्रम के मुंह से चहकन का निवाला, मुस्कान की चाय और सुकून का बिस्तर। बहुत खूब, थकन बहुत, क्या बात, नींद थकान ओढ़े आती है, नींद थकान ओढ़े आती है, जाते जाते दे जाती है कंधे पर जिम्मेदारी की बड़ी गठरी और उसे उठाए चलने की चेतना। इस कविता का दूसरा पहलू देखें, अक्सर माँ हो जाती है पिता, अक्सर माँ हो जाती है पिता जब देखती है झोपड़ी में लुढ़कते खाली डिब्बे, बिलबिलाती भूख, ठंडा चूल्हा और बिसुरता बचपन। क्या बात, वह ओढ़ लेती है, वह ओढ़ लेती है दुशाला जिम्मेदारियों का, ममता और कर्तव्य दौड़ाते रहते हैं उसे सांस की धौकनी चलने तक। सांस की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मजबूरियां उसे बाहर ले जाती है, घर के बाहर ले जाती है मजबूरियां। बहुत सुंदर, बहुत से श्रोतागण जुड़े हैं, बहुत आपके काव्य पाठ की सराहना कर रहे हैं और हरीश कह रहे हैं कि बहुत परिपक्व कविता, बहुत वाकई में रिश्तों के ताने बाने बुनती हुई आपकी सारी रचनाएं, बहुत सुंदर, बहुत परिपक्व रचना है, जिया है, एक एक रिश्ते को जिया है और उस पर रचना लिखी है। और अरुण कुमार पासवानी कह रहे हैं, सुदर्शन रत्नाकर कह रहे हैं यथार्थ चित्रण, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं यथार्थ चित्रण, वाकई में बहुत हमारा आस पास जो रिश्ते हैं और सबका वास्तव में यथार्थ चित्रण है, बहुत सुंदर रचना है आपकी। आज ये पहाड़ की जो स्थिति है, एक कविता उनको समर्पित, कैनवास जी स्वागत। कैनवास पे उगाए, कैनवास पर उगाए कुछ हरे भरे पहाड़, कुछ खेत, नन्हे पौधे और कुछ पेड़ देवदार के। उगाए पहाड़ की दीवार पर चित्र से टंगे कुछ मुस्कुराते घर, उगाए पहाड़ की दीवार पर चित्र से टंगे मुस्कुराते घर, सरपिनी सी लहराती सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के जहरीले धुएं और धूल से चाहे अनचाहे मलियाते, खांसते छींकते बांज चीर और बांस भी। उगने लगे हैं पहाड़ी सड़क की ढलान पर गहरी खाई में तब्दील, शुष्क माटी और पथरीली जमीन पर कुछ बेनामी फूल, लताएं मखमली पत्तों से जुड़ी पतली कोमल डालें पौधों की। उगने लगी है पहाड़ी नदी, विस्तार पाने लगी है मैदानी नदी, सूखने लगी है बरसाती नदी और बदलने लगी हैं कई नदियां नाले में। उग रहा है धुआं आसमां के सीने पर, सिर रख कर खांसती हवा कुछ अम्लीय बादल, बुरादों में बदलती नन्ही पहाड़ियां और गायब पहाड़ी की पीड़ा से जन्मा गड्ढा। उग रहे हैं पक्के मकान, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हुआ विकास। उग रहे हैं पक्के मकान, बस रहा है शहर, बिछ रही हैं पटरियां, दौड़ रही हैं गाड़ियां, कठोर हो रहा है धूप का चेहरा, कठोर हो रहा है धूप का चेहरा। शहर पहाड़ ढूंढने निकला है, शहर पहाड़ ढूंढने निकला है, थोड़ी नमी थोड़ी नरमी, बची खुची हरियाली और आसमान का नीलाभ, मन का कैनवास अब भी खाली है।
मन का कैनवास। अब ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना है आपकी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ हमारा आपका। पहला चित्र होता है वही कैनवास पे आपने जी, आप पटल से आए, आपका रही बहुत सारी बहुत और जी विनय समय हो विनय चुका है भवार जी वहां लिख जी रहे हैं, अरुण कुमार पासवान जी बढ़िया कैनवास, हरीश नवल जी सार्थक संचालन के लिए दोनों माने नमस्कार, आपका आभार हरीश नवल जी कि हमको ये मंच बहुत आपने बहुत बहुत इस मंच पे आने धन्यवाद। का हमको ये दिया हौसला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका और नरेश चंद्र जी साहब का, नीता जी जोशी का, पूर्णिमा जी का, सभी का बहुत बहुत स्वागत आभार, और रजनीश जी आपका विशेष आभार रहा, जी मेरा साथ जी रहा आपका और मेरा, इसी बहाने आपसे मिलने मैं का भी मौका जी मिला मुझे, तो बहुत बहुत आभार आपका मैं भी, भी और आरती स्मित जी जी आपका बहुत सुंदर काव्य बिल्कुल, पाठ, आपका भी आभार। बहुत सुंदर का, तो अब ये कार्यक्रम में और मैं बिल्कुल, मैं भी जी सभी को बहुत बधाई रजनीश देती हूँ, जी हार्दिक बधाई देती हूँ, एन चंद्रा जी को, हरीश नवल जी को, पूनम जी बोलिए शर्मा जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई, और हमारी भी संपूर्ण आहुति डली इस काव्य रूपी महायज्ञ में, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जी, मेरी बहुत ओर बहुत से सबको बहुत बहुत शुक्रिया आभार अभिनंदन।